कुछ दिन पहले एक माँ अपने 6 माह के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आई और कहने लगी, डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा जब रोता है या जोर लगाता है तो इसकी नाक वाली जगह बाहर को आ जाती है। बच्चा जब पैदा हुआ तब से ये मसला है और अभी उतने का उतना ही है। मैं एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमने एक सिक्का लेके 5 रुपए का, उस पर कपड़ा लपेट कर उस सिक्के को नाक वाली इस जगह पर दबा कर रखना है और पेट के गिर से वो कपड़ा लाकर उसको बांध देना है ताकि ये नाफ के अंदर ये सारा स्वेलिंग चली जाए। कहती, मैं 6 माह से ऐसे कर रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कैसे करना दुरुस्त है। इस कंडीशन को कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया, यानी पेट के पट्ठे बच्चों के थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं जिसकी वजह से नीचे से आंतों के कुछ हिस्से स्किन के नीचे से बाहर आ जाते हैं। अमूमन ये पहले कुछ सालों में, 2-3 सालों में बच्चे की स्वेलिंग बेहतर हो जाती है बगैर किसी इलाज के, बगैर किसी दवाई के। बहुत से कम बच्चे होते हैं, 10-20% बच्चे जिनको 4th-5th साल जाकर भी ये स्वेलिंग रहती है, उनको फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन खुदारा ये सिक्कों वाली बात पर हरगिज मत जाएं। 6 माह तक एक बच्चे को सिक्का लगाकर बांध देना पेट के साथ मुनासिब नहीं, जबकि इसका इलाज से कोई ताल्लुक नहीं है।